हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए इतनी ज़्यादा कमाल की रेमेडी लेके हैं फ्रेंड्स कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, या आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, आपके बालों की लेंथ भी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो, लाइक, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए आपको रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है कि सिकाकाई पाउडर। तो सिकाकाई का पाउडर जो होता है बहुत ही कमाल का होता है, हमारे बालों को, जो हमारे बालों की जो गिरते हैं, बाल झड़ते हैं, तो उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है ये। तो एक चम्मच के करीब हमने सिकाकाई पाउडर ले लिए हैं। दूसरी चीज़ हम लेंगे इसमें एलोवेरा, जो दूसरी चीज़ हम लेंगे आंवला पाउडर। फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा कमाल की रेमेडी बनने वाली है कि आप अगर इसको हफ्ते में या दो हफ्ते में इसको कंटिन्यू अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो आपके बालों की जो समस्या है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी। और आपके बाल अगर वाइट है या आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ब्राउनिश है तो उसमें भी आपका कलर बिल्कुल ब्लैक होगा, नेचुरल तरीके से ब्लैक होंगे आपके बाल है। अब इसमें डाल देंगे आंवला पाउडर एक चम्मच के करीब, एक से डेढ़ चम्मच के करीब आपको आंवला पाउडर लेना है। आंवले पाउडर की क्वांटिटी आपके बालों के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा कमाल की रेमेडी बनने वाली है फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ कि आप इसको शुरू कर देंगे तो आपके बालों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी कि लोग पूछने लगेंगे आपने लगाया क्या है। केवल शैम्पू में ये दो चीज़ मिलाकर अगर अप्लाई कर लेंगे तो आपके बालों का बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो अब इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ले लें। विटामिन ई का कैप्सूल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि हमारे झड़ते हुए बालों को कंट्रोल करता है। और हमारे बालों को अगर हमारे बाल है जो बिल्कुल रूखे हो चुके हैं, हमारे बालों में चमक नहीं, हमारे बाल अगर बढ़ नहीं रहे हैं तो सभी में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है इसमें। अब इसमें ले लेंगे एक पाउच शैम्पू का ले लेंगे। आप जो भी कोई सा शैम्पू यूज़ करते हैं वही आप इसमें ऐड करें। तो इसमें हमने एक पाउच शैम्पू का ले लिए हैं। जो भी आपका पसंदीदा शैम्पू कोई सा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमने ये ऐड किया तो आप भी यही ऐड करें, जो भी आपका पसंद हो वही शैम्पू इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देना आपको पानी, और पानी के साथ में आपको लेना है एक चम्मच के करीब दही ले लेना है। आपके बालों में अगर डैंड्रफ की शिकायत है या आपके बाल बहुत ज़्यादा रुके हैं तो आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्टनेस आएगी और आपके बालों का जैसे टेक्सचर रहेगा कि लोग पूछने लगेंगे आपने लगाया कि इतने ज़्यादा सिल्की होंगे बाल है, जो बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेमेडी है ये। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करके बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स की, मिक्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मिक्स अच्छे से करोगे तो हमारे बालों में भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएंगे और आपके बालों की लेंथ इतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी कि आप इसको हफ्ते में कम से कम इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें पानी ऐड करें, हमारा उस टाइम में कैमरा बंद हो गया था तो इसलिए आपको कि ये दिखा नहीं है, तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी आपके बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपके बालों में जो शैम्पू करते टाइम में कि पूरे अच्छे से बालों में ये अप्लाई हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पानी इसमें डाल दिया है, कम से कम इसमें आधा गिलास के करीब हमने पानी इसमें डाल दिए हैं। और अब इसको मिक्स करके अपने बालों में जैसे शैम्पू लगाते हैं उसी तरीके से आपको पानी मिक्स करके जो शैम्पू यूज करते होगे उसी तरीके से केवल आपको ये रेमेडी को लगाना है। और आपके बाल अगर दो तीन टाइम में जो झड़ते हैं वो भी बिल्कुल नहीं झड़ेंगे और आपके बाल है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, इतने ज़्यादा सिल्की होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको धीरे धीरे करके आपके बालों में रिजल्ट खुद देख के बताएंगे इसमें। तो इसी तरीके से ये रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडी देखने को मिलेगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको रेमेडी कैसी लगी। तो आपका फीडबैक हमारे को कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमारे को जो आप कमेंट करते हैं वो कमेंट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आपको कौन सी रेमेडी चाहिए तो आप हमारे को वो भी कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने बिल्कुल इसको कि अच्छे से झाग इसमें बनने लगे बिल्कुल मिक्स करें फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से मिक्स करना है तो बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।